हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चाइल्ड वर्ल्ड। प्रीवियस क्लास में हमने ज्योमेट्री को स्टार्ट किया था। हमने पॉइंट के बारे में, लाइन के बारे में, लाइन सेगमेंट के बारे में और पॉलीगन के बारे में, इन सब के बारे में स्टडी किया था। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एंगल। एंगल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। एंगल के बाद हम लोग सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एंगल। एंगल की डेफिनेशन क्या होगी? दो रे जिस पॉइंट पे आपस में जाके मिलती हैं, वहां एक कॉर्नर फॉर्म होता है। वो जो कॉर्नर फॉर्म होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल। क्या लिखेंगे? व्हेन टू रेज मीट एट अ पॉइंट एन एंगल इज फॉर्म्ड। तो जहां पे दो रे आपस में मिलती हैं तो वो जो कॉर्नर फॉर्म होता है उसी कॉर्नर को हम लोग बोलते हैं एंगल। जैसे एक रे ये है और दूसरा ये है, ये दोनों क्या है? रे। और ये कॉर्नर फॉर्म हुआ, इसी को हम लोग बोलेंगे एंगल, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल। ये पॉइंट क्यू है, ये ओ है और ये क्या है? पी है, ठीक है। ये आर्म होता है, ये वर्टेक्स होता है और ये भी आर्म होता है, ठीक है। आर्म में ए कैपिटल होगा, ठीक है। तो ये क्या है? आर्म ओपी और ये क्या है? आर्म ओक्यू, ठीक है। और ये जो एंगल फॉर्म हुआ है उसे हम लोग पढ़ेंगे एंगल पी ओ क्यू, या फिर हम लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं क्यू ओ पी। दोनों तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों को इक्वल दिखा दिया, ठीक है। ये तो हमने बात कर लिया एंगल कैसे फॉर्म होता है। अब हम लोग बात करते हैं मेजरिंग ऑफ एंगल, कि एंगल को मेजर कैसे करते हैं, ठीक है। आप लोगों के पास प्रोटेक्टर होगा, प्रोटेक्टर ऐसे होता है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये एक प्रोटेक्टर है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एंगल मेजर करते हैं, ठीक है। इसी प्रोटेक्टर से हम लोग एंगल मेजर करते हैं। जैसे ये 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90, 100, 110, 120, ऐसे ऐसे एंगल दिए गए हैं। तो हम लोग इसी प्रोटेक्टर से हम लोग क्या करते हैं? एंगल को मेजर करते हैं। तो कैसे मेजर करेंगे मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। चलिए एंगल को मेजर करते हैं। जैसे ये एक डी है, ठीक है। डी, आप लोग इसे डी के नाम से जानते हैं, वैसे इसे बोलते हैं प्रोटेक्टर। क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर की स्पेलिंग क्या होती है? पी आर ओ टी आर ए सी टी ओ आर, प्रोट्रैक्टर, ठीक है। ट्रैक्टर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसी ट्रैक्टर के आगे प्रो लगा देते हैं तो उसी से बन जाता है प्रोट्रैक्टर, ठीक है। इसे ये डी की शेप का होता है, इसको बहुत से लोग डी भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए एंगल का मेजर कैसे होता है? ये हमारा बेस हो गया, ये यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये बेस हो गया, ठीक है। अब हमें जैसे क्या ड्रॉ करना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री ये है, ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा दी, इसी को ज्वाइन कर दीजिए। ये क्या है? ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। ये कितने एंगल हो गया? 90 डिग्री, ठीक है। जैसे हमें और क्या बनाना है? 120 डिग्री बनाना है। ये बेस हो गया, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये बेस हो गया, यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। 120, 90, 100, 110, 120, यहाँ पे 120, आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे 120 है, ठीक है। अब इसको क्या कर दीजिए? ज्वाइंट कर दीजिए। ऐसे हम लोग एंगल का मेजर करते हैं 120 डिग्री, ठीक है। आप लोगों के बुक में बहुत से एग्जांपल दिए हैं, आप लोग मेजर करिएगा। और मैं आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे अब हम लोग मेजर करते हैं 60 डिग्री। ये 120 नहीं है, हम लोग ये 120 नहीं है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ मैंने आप लोगों को नहीं बताया, ये 120 नहीं है, ये एक तरीके से 60 डिग्री है। आप लोग देखिए, नीचे वाला हमेशा लेते हैं, ये एक ऐसे काउंटिंग लिखी हुई है और एक ऐसे, जो काउंटिंग नीचे की तरफ से लिखी हुई है वहाँ से मेजर करते हैं, ठीक है। जैसे मैं फिर से बनाता हूँ 60 डिग्री, 120 डिग्री कैसे बनेगा फिर से बनाते हैं। ये एक बेस लाइन हो गया, अब यहाँ पर नीचे वाले काउंटिंग को लेते हैं, ये है 120, ये है नीचे 120 लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 120। तो अब हम लोग इसको जो ऐसे ज्वाइन कर देंगे तो ये हो गया 120 डिग्री, ठीक है।
अब हम बनाते हैं 60 डिग्री, जो हमने पिछली बार 120 बनाया था वही 60 डिग्री है, ठीक है। नीचे वाले काउंटिंग को लेते हैं, ये नीचे 60 डिग्री, ये क्या है 60 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग ड्रॉ करते हैं 140 डिग्री, ठीक है, ये 90, 100, 110, 130, 140, यहाँ पे क्या है 140, तो ये एंगल क्या हो गया 140 डिग्री, ठीक है। ऐसे हम लोग एंगल का मेजर करें, और जो 180 डिग्री होता है वो पूरा एक स्ट्रेट लाइन होता है, जो इसी पॉइंट से इसी को हम लोग बोलते हैं 180 डिग्री, ठीक है, पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन उसी को हम लोग बोलते हैं 180 डिग्री। तो इसी प्रोटेक्टर से हम लोग एंगल को क्या करते हैं मेजर करते हैं, इसी प्रोटेक्टर से, और नीचे वाले डिजिट को लेते हैं, ऊपर वाला जो डिजिट लिखा है नहीं लेते हैं, नीचे वाले डिजिट को लेकर हम लोग क्या करते हैं एंगल को मेजर करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में। टाइप्स ऑफ एंगल, जो सबसे पहला एंगल होता है वो होता है राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, जो एग्जैक्टली 90 डिग्री को मेजर करता है उसी को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। एन एंगल मेजरिंग 90 डिग्री एग्जैक्टली डिग्री ब्रैकेट में एग्जैक्टली इज कॉल्ड ए राइट एंगल। जो एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री बनाता है उसी को हम लोग बोलते हैं राइट। अभी मैंने 90 डिग्री बनाया था, ये स्ट्रेट लाइन, इसी को हम लोग बोलते हैं 90 डिग्री, ठीक है। ये एग्जैक्टली क्या मेजर कर रहे हैं 90 डिग्री, तो क्या हो गया एंगल ए ओ बी, क्या हो गया ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। जो घड़ी की सुई है आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, एक सुई 12 पे होती है और एक सुई कोई भी डिजिट पे होती है, तो वो जो एंगल बनाती है जब एग्जैक्ट 3 o'clock या फिर 9 o'clock, जो घड़ी में जब 9 बजता है या फिर 3 जब बजता है, तो वो जो एग्जैक्टली जो एंगल बनाता है वहां पे वो 90 डिग्री का ही एंगल बनता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड जो है उसे हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल हमेशा 90 डिग्री से क्या होता है छोटा होता है, ठीक है। जितने भी एंगल 90 डिग्री से छोटे होंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे एक्यूट एंगल। सेकेंड क्या है एक्यूट एंगल, ठीक है। एन एंगल मेजरिंग, एन एंगल मेजरिंग बिटवीन, बिटवीन पूरा लिखिए आप लोग, बिटवीन 0 to 90 डिग्री, ये डिग्री का साइन है 90 डिग्री, ठीक है, इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। जो भी एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं वो सबके सब क्या है एक्यूट एंगल। जैसे मैं आप लोगों को बना के दिखाता हूँ डी से, आप लोग ध्यान दीजिएगा डी से, ये बेस है, ये 90 डिग्री है, इस तरह सारे एंगल क्या है छोटे हैं। जैसे मैंने 60 डिग्री बनाया या फिर 50 बना लेते हैं इस बार 50, तो ये क्या है 50 डिग्री, ये क्या है एक्यूट एंगल है, ठीक है, क्योंकि ये 90 से छोटा है। चलिए मैं बनाता हूँ यहाँ पे 30 डिग्री, ये बेस है, ये है 30, ठीक है, ये एंगल क्या है 30 डिग्री, ये भी क्या है एक्यूट एंगल है, ये भी क्या है 90 डिग्री से छोटा है, तो ये सब के सब क्या है एक्यूट एंगल है, ठीक है। जो 90 डिग्री से छोटा हो और 0 और 90 डिग्री के बीच में हो वो सब के सब क्या है एक्यूट एंगल है। अब हम लोग बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में, किसके बारे में ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होते हैं जो 90 डिग्री से बड़ा होता है, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। थर्ड क्या है ऑब्ट्यूज एंगल, एन एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है, वो सब के सब क्या है ऑब्ट्यूज एंगल। एन एंगल मेजरिंग 90 डिग्री टू 180 डिग्री, 90 डिग्री से कहाँ तक 180 डिग्री से जो भी एंगल मेजर करता है उसी को हम लोग बोलते हैं इज कॉल्ड एन
ऑब्ट्यूज एंगल, जो एंगल 0 से 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में जो भी एंगल मेजर करता है उसे हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, जैसे ये एंगल मान लीजिए 120 डिग्री है, ये क्या है ऑब्ट्यूज एंगल, 90 से बड़ा है, ये 100 डिग्री है, ये भी क्या है ऑब्ट्यूज एंगल है, ये 135 डिग्री है, ये भी क्या है ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, जितने भी एंगल 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से छोटे होंगे वो सब के सब क्या है ऑब्ट्यूज एंगल है। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रेट एंगल के बारे में, किसके बारे में, स्ट्रेट एंगल। मैंने आप लोगों को जब मैं प्रोटेक्टर से करा रहा था मैंने आप लोगों को बताया था कि स्ट्रेट एंगल किसे बोलते हैं, जो 180 डिग्री को मेजर करता हो, एक स्ट्रेट लाइन, ये एक पॉइंट P है, ये क्या है स्ट्रेट एंगल है 180 डिग्री, इसे O मानिए आप लोग, ये P है ये Q है, तो एंगल POQ यहां से कितना आ गया 180 डिग्री। ठीक है, जो एंगल 180 डिग्री को मेजर करता है, एन एंगल मेजरिंग एग्जैक्टली 180 डिग्री, जो भी एंगल एग्जैक्टली 180 डिग्री को मेजर करता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, आप लोग के बुक में बहुत इजी क्वेश्चन दिए गए, आप लोग उसको प्रोटेक्टर से मेजर करके एंगल को निकाल सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सर्कल के बारे में, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग बोलते हैं सर्कल। चलिए सर्कल को स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं सर्कल। तो सर्कल की हम लोग डेफिनेशन के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, अ सर्कल इज ए क्लोज्ड फिगर, अ सर्कल इज ए क्लोज्ड राउंड फिगर ठीक है, हैविंग नो साइड्स एंड नो वर्टिसेस, नो साइड्स और वर्टिसेस, जिसकी ना तो कोई साइड होती है ना ही कोई वर्टिसेस होती है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने डीवीडी देखा होगा, जो सीडी होती है वो क्या है सर्कल टाइप में होती है, उसकी कोई साइड और वर्टिसेस नहीं होती। ठीक है, सर्कल का फिगर ऐसे बनता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये एकदम सर्कल, इसे हम लोग बोलते हैं सर्कल, ये क्या है एक सर्कल है। ठीक है, ये क्या है सर्कल। ठीक है, अब मैं सर्कल के बारे में आप लोगों को सब कुछ बताने चल रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक सर्कल को बनाते हैं उसका रेडियस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सर्कमफ्रेंस के बारे में, सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो होता है उसी को हम लोग पेरीमीटर ऑफ सर्कल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, द डिस्टेंस अराउंड एज ऑफ द सर्कल, अराउंड एज ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफेरेंस। ठीक है, जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है, ये जो सर्कल मैंने बनाया है, ये जो डिस्टेंस होता है बाहर बाहर का जितना भी डिस्टेंस है इसी को हम लोग बोलते हैं सर्कमफेरेंस। जो सर्कमफेरेंस होता है इसका फॉर्मूला होता है 2πr, जिसमें r क्या है रेडियस है, अभी हम लोग रेडियस के बारे में बात करेंगे, आर क्या है रेडियस है। ठीक है, जिसमें आर क्या है रेडियस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डायमीटर के बारे में, डायमीटर ऑफ ए सर्कल, डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर वो होता है द लाइन सेगमेंट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है, ये जो ये सर्कल का क्या है सेंटर है, इसी सेंटर से एक लाइन सेगमेंट पास कराइए,
जैसे लाइन सेगमेंट क्या है, ए बी, इसी को हम लोग बोलते हैं डायमीटर, इसी को हम लोग बोलते हैं डायमीटर, यही क्या है डायमीटर है, ठीक है, यही क्या है डायमीटर है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग, द लाइन सेगमेंट दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो इसका डायमीटर क्या है, ए बी, ए बी क्या है डायमीटर है, ठीक है। तो हमने सर्कमफेरेंस के बारे में बात कर लिया, डायमीटर के बारे में बात कर लिया, अब हम लोग बात करते हैं रेडियस के बारे में, रेडियस ऑफ ए सर्कल क्या होता है, ठीक है। ये फिगर ऐसे ही रहने दीजिए, अब हम लोग बात करेंगे रेडियस, ठीक है। रेडियस, ये जो सेंटर है इसको मान लीजिए ओ है, सेंटर से जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से सर्कमफ्रेंस की दूरी, मतलब सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस, सेंटर से सर्कल जो राउंड है, सर्कल तक का डिस्टेंस, मतलब उसके सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस, उसी को हम लोग बोलते हैं रेडियस। जैसे ये क्या है, यहां से यहां तक रेडियस है आर, ये भी रेडियस है, ये भी क्या है रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, सेंटर से ये भी रेडियस है, ये सब के सब क्या है रेडियस है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द डिस्टेंस बिटवीन, डेफिनेशन में यहां पर लिख सकता हूं, द डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस बिटवीन इंटरस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ, फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, सेंटर से और सर्कल पे कहीं भी एक पॉइंट जो डिस्टेंस होता है उन दोनों के बीच का, उसी को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, डायमीटर अपॉन टू, तो टू आर, रेडियस को आर लिख सकते हैं, इक्वल टू डी, डी इज इक्वल टू टू आर। जो डायमीटर होता है वो रेडियस का क्या होता है, दुगना होता है, डायमीटर रेडियस का दुगना होता है, ठीक है, और जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कॉर्ड के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे, कॉर्ड, किसके बारे में बात करेंगे, कॉर्ड, कॉर्ड क्या होता है, पहले इसकी हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं, द लाइन सेगमेंट दैट, ये सब डेफिनेशंस आप लोग लर्न कीजिएगा, ये सब डेफिनेशन एग्जाम में आ सकती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आगे फ्यूचर के लिए भी आप लोगों के लिए। द लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल, फिर ऑन ए सर्कल इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉर्ड। कॉर्ड को हम लोग बच्चों हिंदी में बोलते हैं जीवा, जीवा हिंदी में हम लोग इसे ऐसे लिखते हैं, जीवा, ठीक है। चलिए छोड़िए, पहले आप लोग इंग्लिश की बात करते हैं, कॉर्ड, कॉर्ड क्या होता है, सर्कल पे किसी भी दो पॉइंट के बीच का लाइन सेगमेंट, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉर्ड। जैसे ये सर्कल है, ये क्या है कॉर्ड है, ए बी, ये क्या है कॉर्ड ए बी, ये एक, ये लाइन सेगमेंट हो गया, लाइन सेगमेंट ए बी, तो ये क्या हो गया कॉर्ड ए बी, ये क्या है कॉर्ड सी डी, सी डी, ये क्या है कॉर्ड सी डी, ठीक है। ये भी क्या है ई एफ, ये क्या है कॉर्ड ई एफ, ये सब क्या है कॉर्ड है। जो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है वही डायमीटर होता है, ग्रेटेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ग्रेटेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, जो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है वो क्या होता है डायमीटर ऑफ द सर्कल, वही क्या होता है डायमीटर।
जो ग्रेटेस्ट कॉर्ड होता है उसी को हम लोग बोलते हैं डायमीटर। ये सबसे बड़ा कॉर्ड है जो सेंटर से होके पास करता है। इसके बाद फिर कॉर्ड क्या होगा, छोटा होता चला जाएगा, ये और छोटा हो गया, ये और छोटा, ये और छोटा, ये सब के सब क्या है, कॉर्ड है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आर्क के बारे में, आर्क क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, आर्क। द पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द आर्क ऑफ द सर्कल। द पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड द आर्क ऑफ द सर्कल। जो सर्कमफेरेंस होता है उसी का कुछ पार्ट होता है उसे हम लोग आर्क बोलते हैं। आर्क बड़ा भी हो सकता है और आर्क छोटा भी हो सकता है। जैसे ये एक सर्कल है, ये इसका सर्कमफेरेंस होता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, सर्कमफेरेंस है। जैसे ये ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है, ये क्या है, ये एक आर्क हो गया। तो क्या हो गया, आर्क ए सी बी, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। आर्क थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, ए ई एफ, तो ये क्या है, यहाँ पे हम लोग सी पॉइंट ले लेते हैं, आर्क ई सी बी एफ, ई सी एफ, ये भी क्या हो गया, एक आर्क हो गया। ठीक है, ये भी क्या हो गया, एक आर्क हो गया। ठीक है, हमने सब चीजों के बारे में बात करी, अब हम लोग बात करते हैं सेंटर के बारे में कि सेंटर क्या होता है। ये फिक्स्ड पॉइंट होता है मिडल ऑफ द सेंटर। ये जो होता है सर्कल के मिडल में एकदम बीचों बीच जो पॉइंट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर। यहीं से होकर रेडियस पास होती है, यहीं से होकर डायमीटर भी बनता है। ये पूरा का पूरा क्या होता है, डी, डी मतलब डायमीटर, उसी को हम लोग बोलते हैं डायमीटर। ठीक है, मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया, कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, आर्क क्या होता है, इन सब के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब मैं आप लोगों के सामने एक फिगर बना रहा हूं और मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं, आप लोग उसके आंसर कीजिएगा। ठीक है, चलिए, ये आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन दिया गया है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने इन क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो समझ लीजिए आप लोग सर्कल समझ गए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपने मन में आंसर को सोचिएगा कि आंसर क्या होता है। नेम द सेंटर ऑफ द सर्कल, पहला क्वेश्चन क्या है कि जो सर्कल दिया गया है इसका सेंटर क्या होगा। तो इसका सेंटर क्या होगा, ए ओ बी, ये क्या है, डायमीटर है, तो ओ पॉइंट क्या है, इसका सेंटर है। क्या होगा, पॉइंट ओ, ओ पॉइंट क्या है, इसका सेंटर है। ठीक है, नेम द आर्क ऑफ द सर्कल, मैंने बताया था दो लाइन सेगमेंट सर्कल के सर्कमफ्रेंस से ज्वाइंट किए जाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं आर्क। तो आर्क ऑफ द सर्कल क्या है, एक्स वाई, ये क्या है, आर्क, सॉरी आर्क ऑफ द सर्कल, ये तो कॉर्ड है एक्स वाई। आर्क क्या हो जाएगा, ए पी क्यू, ये क्या है, आर्क है, जो इस टाइप का फिगर बना है। तो आर्क क्या है, ए पी क्यू, आर्क को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेम अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल, कॉर्ड क्या है, एक्स वाई, ये क्या है, दो लाइन, दो पॉइंट के बीच एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया गया है, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉर्ड। तो एक्स वाई क्या है, कॉर्ड। ठीक है, डायमीटर ऑफ द सर्कल, जो सेंटर से होके जो लाइन पास कर रही है उसी को हम लोग बोलते हैं डायमीटर। सेंटर ओ है, ओ से क्या पास करे, ए बी, तो ये भी क्या हो गया, डायमीटर हो गया, ये भी क्या हो गया, डायमीटर। नेम द बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, मैंने बताया था कि जो डायमीटर होता है वही सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। तो नेम द बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ द सर्कल, और जो डायमीटर है वो क्या है, ए बी। तो बिगेस्ट कॉर्ड क्या हो गया, ए बी। ठीक है, थ्री रेडियाई ऑफ द सर्कल, इस फिगर को देख के बताना है, यहाँ पे तीन रेडियाई मेंशन है, ये तीनों रेडियस क्या है, क्या है, ओ बी, ये भी एक रेडियस है, ओ बी, ये क्या है, रेडियस है, ओ ए, ये भी रेडियस है, ओ सी, ये भी रेडियस है। तो तीन रेडियस मिल गए, ओ बी, ओ ए और ओ सी, ये तीनों एक ही पॉइंट्स हैं, तो ये तीनों क्या हो गए, रेडियस हो गए। ठीक है, होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा और ये चैप्टर फिनिश हो गया। ये चैप्टर आप लोग के एग्जाम में भी आ रहा है और आप लोग अच्छे से इसको रिवाइज भी कीजिएगा। ठीक है, तो ज्योमेट्री चैप्टर ये आप लोगों का फिनिश हो चुका है। ठीक है, चलिए क्लास को फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।